हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बीए पार्ट वन। टुडे आवर टॉपिक इज पर्यावरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव। ओके, इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट, पर्यावरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल व्यक्ति का पर्यावरण ही उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आज औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा बढ़ती हुई जनसंख्या से जो नई दशाएं पैदा हुई हैं, उन्होंने भी पर्यावरण को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि पर्यावरण को औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के प्रभावों को समझा जाए। इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव। भारत में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज केवल सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े उद्योगों की संख्या 230 है, जबकि निजी क्षेत्र में 7000 से अधिक उद्योग कंपनियों के रूप में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों तथा कार्मिकों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। हमारी विभिन्न आवश्यकताओं से संबंधित प्रत्येक वस्तु का उत्पादन भारत में स्थापित उद्योगों के द्वारा ही किया जा रहा है। स्वतंत्रता से पहले तक हम छोटी से बड़ी प्रत्येक चीज के लिए विदेशों पर निर्भर थे। वही आज भारत में बनने वाली वस्तुओं की मांग विदेशों की बढ़ती जा रही है। इट्स मीन दैट जो चीजें भारत में बन रही हैं, उन वस्तुओं की डिमांड अब विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। औद्योगिकरण ने आर्थिक विकास में योगदान अवश्य किया है, लेकिन इसके कारण हमारा भौगोलिक तथा सामाजिक पर्यावरण बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगा है। इसके कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्नांकित रूप से हम इसको समझ सकते हैं। नंबर वन है वायु प्रदूषण में वृद्धि। इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन। ओके, विभिन्न उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाली कार्बन युक्त गैसें तथा विषैले धूल कण वायुमंडल में बढ़ जाने से प्राकृतिक असंतुलन बढ़ता जा रहा है। जिन क्षेत्रों में उद्योगों का केंद्रीयकरण है, उनमें सांस और दमा से संबंधित रोगों की संख्या उतनी ही अधिक है। तेल शोधक संयंत्रों से हर समय भारी मात्रा में ज्वलनशील गैस निकलने से तापक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज असमय होने वाली वर्षा अथवा अत्यधिक ठंड या गर्मी जैसी दशाएं
पूरी दुनिया में औद्योगिकरण के कारण बढ़ने वाले वायु प्रदूषण का ही परिणाम है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। विभिन्न सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि भारत को आज किसी भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं समझा जाता है। नगरों में भूमि की सतह से 100 फीट गहराई तक का पानी बहुत गंदा और प्रदूषित है। नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कारखानों से निकलने वाला गंदा धुआं, दुर्गंधपूर्ण पानी की निकासी नदियों में होना है, रासायनिक खाद, चमड़े, कीटनाशक दवाइयाँ, साबुन उद्योग, आणविक ऊर्जा से संबंधित उद्योगों के पानी की निकासी जल प्रदूषण में सबसे अधिक वृद्धि करती है। इसका स्पष्ट परिणाम बढ़ती हुई बीमारियों के रूप में सामने आया है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। हमारे भारत में शोर से उत्पन्न होने वाली दशा को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। आज सभी बड़े बड़े उद्योगों के आसपास बहुत शोर होने से केवल प्राकृतिक पर्यावरण ही प्रभावित नहीं होता है बल्कि लोगों की मनोदशा भी असंतुलित होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है वनों का कटान। बड़े बड़े कारखानों की स्थापना के लिए हजारों हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है तो दूसरी ओर कारखानों को सड़क और रेल यातायात से जोड़ने के लिए भी भारी मात्रा में वृक्षों का कटान करना आवश्यक हो जाता है। वृक्षों की कमी होने से वायु प्रदूषण में तेजी से वृद्धि होने लगती है। इसके अतिरिक्त वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। वनों का कटान डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी। हमारे देश में जैसे जैसे औद्योगिकरण में वृद्धि हुई किसानों द्वारा परंपरागत खाद की जगह रासायनिक खादों का तेजी से उपयोग किया जाने लगा। इससे धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है तथा बड़े बड़े क्षेत्र अनुपजाऊ बन जाते हैं। इस दशा में बड़ी संख्या में लोगों को दूसरे स्थानों पर जाकर बसना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है तापमान में वृद्धि। औद्योगिकरण में उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण से धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगी है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी के चारों ओर ओजोन गैस की परत सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है।
ओजोन गैस की इस परत में वायु प्रदूषण के फलस्वरूप बड़े बड़े छेद हो जाने से बढ़ता हुआ तापमान मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट है वैयक्तिक तथा सामाजिक तनाव। भौगोलिक पर्यावरण को प्रभावित करने के साथ ही औद्योगिकरण ने आज हमारे सामाजिक पर्यावरण को बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। औद्योगिकरण ने व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित संबंधों को महत्व देकर व्यक्तिवाद और भौतिकवाद को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया है। इसी का परिणाम है कि आज व्यक्ति के जीवन में तरह तरह के तनाव बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक विघटन की समस्या। परंपरागत रूप से भारतीय समाज का जीवन बहुत सरल और सामूहिक था। धार्मिक विश्वास व्यक्ति को मानसिक रूप से संतुष्ट रखते थे तथा विभिन्न रीति रिवाज और समारोह के द्वारा व्यक्ति को स्वस्थ मनोरंजन भी मिल जाता था। औद्योगिकरण ने ऐसे गुमनाम बातरों को विकसित किया जिससे कोई व्यक्ति एक दूसरे को जानता भी नहीं है। इससे एक और भारत की परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताएं कमजोर होने लगी तो दूसरे अवांछनीय व्यवहारों में भी वृद्धि होने लगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।